गुड मॉर्निंग बच्चों, जीवन कौशल के तहत लेसन 16 में ले रही हूँ, खेलकूद मनोरंजन बेहतर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए खेलकूद और स्वस्थ मनोरंजन बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, खेल जीवन का आधार होता है। ये समस्याओं को समझाने, निर्णय लेने, निर्देश देने और उसमें मदद करता है। दैनिक दिनचर्या में खेलों का समावेश हमें कल्पनाशील व स्वस्थ बनाता है। खेल एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। खेल के बिना हम नवीन शक्ति को अर्जित नहीं कर सकते हैं। खेल एक संबंध हमारे जीवन के लिए बहुत ही अधिक है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके द्वारा किशोरों के अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक प्रभाव सक्रिय बनाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने तो अपने अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि खेल उद्देश्यपूर्ण व सार्थक होते हैं, तो किशोरियों के क्रियाशीलता बनाने में खेल क्रियाएं आवश्यक है अपितु अनिवार्य भी होना चाहिए। खेल की परिभाषा, खेल वह क्रिया है जिसके द्वारा जिससे करने वाला व्यक्ति उसे तब करता है जब मन में अनुकूल कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। फल की इच्छा आशा किए जो कि क्रिया मात्र आनंद के लिए की जाती है या खेल कहलाती है। खेल वह आनंदमय क्रिया होती है जो कि परिपूर्ण होती है, जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। अर्थात खेल का उद्देश्य होता है अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। इसके कई सकारात्मक परिणाम स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। किशोरावस्था में खेल का महत्व, मांसपेशी और हड्डियां अतिरिक्त ऊर्जा के निष्कासन, तनाव मुक्त होना दिखाता है। मानसिक विकास, कल्पना, चिंतन, सूझबूझ, मानसिक योग्यताएं विकसित होती है। संवेगात्मक विकास, सहनशीलता, त्याग, सच्चाई, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। रचनात्मक विकास कार्य, यह एक खेल की नई नई शैलियों की खोज करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। सामाजिक विकास, नेतृत्व, प्रभुत्व, प्रतियोगिता आदि गुण सीखता है। खेलों के प्रकार, व्यक्तिगत खेल और सामूहिक खेल। व्यक्तिगत खेल, बाल्यावस्था में व्यक्ति खेल अत्यंत ही उपयोगी होता है। यह बालक के शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए सृजनशीलता में एकाग्रता चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वस्तु के खेल, एक ही खिलौने से अनेक खेल खेले जाते हैं। कोई भी सामान रखा हो, बच्चा उसे खेलने लग जाता है। ध्वंसात्मक खेल, वस्तु को पटकना, फाड़ना, फेंकना, तोड़ना, छूना, ये क्रियाएं जानबूझकर नहीं करता, केवल छोटे बच्चे के संबंध में। रचनात्मक खेल, मिट्टी की तरह के खेलों को बनाना, खिलाना, पिलाना, लोरियां सुनाना, केवल छोटे बच्चों के लिए संदर्भ में। अनुकरणात्मक खेल, बच्चे एक दूसरे को देखकर समझकर नियम या खेल क्रियाएं अनुकरण से सीखता है। अनुसरण से विचारों की क्रियाओं का जीवन पर्यंत हस्तांतरण होता रहता है। आविष्कारात्मक खेल, सूझबूझ से नए आयाम खोजना, मौलिकता परिचय देना, उचित मार्गदर्शन अनुकरण करना, विभिन्न अंगों के खेल, हाथ पांव पटकना, मुंह की से ध्वनियां निकालना, घुटनों के बल चलना, मटकना, थिरकना, भागना, कूदना। सामूहिक खेल क्रियाओं, किशोरावस्था में किशोर खेलों की अपेक्षा सामूहिक से अधिक रुचि लेने लगते हैं। यह उसके उम्र किशोरों के साथ खेलने की लालायित करती है। साथ ही खेल सामग्री, बिना खेल सामग्री के खेलों सहित एक दूसरे के पानी फेंकना इस प्रकार के मनोरंजन का गतिविधियों में ही खेल के लिए सम्मिलित की जाता है। सामूहिक खेल प्रारंभ विचारात्मक नहीं होते हैं, परंतु क्रमशः ये विचारात्मक होते चले जाते हैं। किशोर धीरे धीरे समझ बूझ कर टोली बनाता है। उसके सदस्य सामान्यतः हम उम्र के होते हैं और उनके सोच समझ लगभग एक जैसी होती है। रचनात्मक खेल में आता है अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर नया आकार देना। गत्यात्मक खेल में कूदना, दौड़ना, भागना, लुका छिपी, चोर छिपाई खेल, साइकिल चलाना आदि है। हार जीत का खेल है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी आदि खेल है। बौद्धिक खेल होता है मानसिक शक्ति का उपयोग करना है, ताश, शतरंज आदि खेल। परीक्षणात्मक खेल, किसी वस्तु को छूकर, सूंघकर, चाटकर, निहारकर, सुनकर, समझने की चेष्टा करना। इस प्रकार के खेलों का प्रोत्साहन देने के लिए किशोरों को रचनात्मक उत्साह रुचि के बढ़ाया जाता है। किसी भी विषय के प्रति जिज्ञासा रुचि को बढ़ाने में खेल अत्यंत ही मददगार होता है। खेलों का महत्व निर्विवाद है। आवश्यकता से है कि रुचि के सतत अभ्यास खेलों के महत्व को और भी निम्नलिखित दर्शाया गया। खेल उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी होती है। शरीर सुडोल बनाता है, मानसिक क्रियाओं गुणों का विकास करता है। खेलों के दौरान परस्पर आदान प्रदान विभिन्न गुणों का विकास होता है। खेलों से चेतन बुद्धि का विकास होता है। प्राकृतिक रचना
धर्मिता कल्पनाशीलता उभारने में मदद मिलती है। व्यक्तित्व के चरित्र का विकास होता है। नेतृत्वशीलता की भावना का विकास होता है। किशोर जीवन संघर्ष की तैयारी सीखता है। खाली समय का सदुपयोग होता है। किशोर निरर्थक विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता है। किशोरों में सहयोग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। खेलों को दौरान जाति पाति ऊंच नीच संकीर्ण मानसिकता से मुक्ति मिलती है। स्थिति विकास होता है। खेलों के समूह भावना पनपती है। सामाजिकता का विकास होता है। खेलों के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से अपनी सहयोग सौहार्द सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर पड़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेंगे। खेलने में आनंद उत्साह स्फूर्ति प्राप्त होती है, किंतु खेल के समय दैनिक जीवन में अन्य गतिविधियां मध्य संतुलन होना चाहिए। हार जीत खेल को स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अतः खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। अब इसमें जाने और समझें और करें, खेल का समय बर्बादी है, इस पर आंसर देना है आपको। खेल सकारात्मक ज्ञानवर्धक प्रति प्रशिक्षण प्रतिक्रिया का माध्यम है। खेल का मनोरंजन होता है। लड़कियों को भी लड़कों की भांति खेल खेलना चाहिए। खेलने में हमारी शारीरिक मानसिक क्रिया कुशलता बढ़ती है। खेल सकारात्मक व्यक्तित्व का आधार होता है। खेलने से पढ़ाई का बाधा उत्पन्न होती है। अपने आनंद खेलों की सूची बनाइए। प्रत्येक खेल कौन कौन से जीवन शैली का उपयोग करके साथियों के साथ बातचीत करिए। लोकप्रिय खेलों के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम जातियाँ जानियाँ जानकारियाँ उपलब्धियाँ और जानकारियाँ एकत्रित करिए। याद रखिए, कर्म और सफलता जोड़ने वाला पुल आपका आत्मविश्वास ही है। स्वेट मार्टन। आपने खेल के महत्व को समझा, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न छोटे छोटे हैं, तो अब आपके बच्चे जब अगर आपके छोटे बहन भाई अगर खेल रहे हैं, वो किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, आप उस पर नज़र रखिए। और आप भी अपने जैसा भी अवसर मिले आप उसको खेलने की चेष्टा करें, तो आपका भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है।